चल पास किचन में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन आने वाला है तो आज हम घर पे बनाएंगे बिना मावा बिना चाशनी के इंस्टेंट पेड़े। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने बड़ा कप मिल्क पाउडर यूज किया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को मैंने थोड़ा गर्म करके लिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह से इसका घोल रेडी करना है। आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे पिसी हुई शक्कर। यहाँ पे मैंने 1 छोटा कप पिसी हुई शक्कर यूज की है, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और उसके साथ हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच घी और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसे हम गैस पे पकाएंगे। मैंने पैन को गैस पे रख दिया है, अब इसे हम धीमी आंच पे ही पकाएंगे और इसे हमें हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण अच्छे से ठीक हो रहा है। अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसे और 5 मिनट तक हम पकाएंगे। जब तक मिश्रण सारा पैन की साइड ना छोड़ दे तब तक हमें इसे कुक करना है। आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण अच्छे से रेडी हो गया है, इसने पैन की साइड छोड़ दी है। इसी तरह से हमें रेडी करना है। ये देखिए, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े रेडी करेंगे। पहले हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा घी और अब मिश्रण लेंगे। आपको जो भी साइज का पेड़ा बनाना हो आप उतना मिश्रण ले और इस तरह से इसे गोल शेप दे, ये देखिए। और बीच में से हम इसे थोड़ा प्रेस करेंगे इस तरह से। और अब लगाएंगे पिस्ता। आप चाहे तो कौन सा भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। इसे हम साइड में रखेंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। आप भी इस तरह से घर पे इंस्टेंट पेड़े बनाइए और इंजॉय करिए। और आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।